वर्ष 2020 में राखी का पर्व 3 अगस्त सोमवार को है। इस दिन भाइयों की कलाई पर खूबसूरत राखियां सजेगी। इस खास त्योहार में राखी की थाली का अपना ही अलग महत्व होता है। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि रक्षाबंधन पर राखी बांधते वक्त थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं इस वीडियो में राखी की थाली को कैसे सजाएं। सबसे पहले चांदी, पीतल, स्टील या तांबे की साफ स्वच्छ थाली लीजिए। अब इस थाली को गंगाजल से पवित्र कीजिए। थाली के दाएं तरफ गंगाजल का छोटा कलश रखें, कलश की पूजा करें। थाली के बाएं तरफ विषम संख्या में राखियों को खोलकर रख लीजिए। थाली के उल्टे हाथ की तरफ राखी को रखें। अब जो थाली में जगह बची है उसमें दाएं तरफ गंगाजल के पास एक से अधिक मिठाई रख लीजिए, यानी सीधे हाथ की तरफ मिठाई रखें। थाली के सामने वाले हिस्से में कुमकुम चावल अधिक मात्रा में रखें, केसर के धागे, सरसों के दाने, दुर्वा, मिश्री, हल्दी, 5 लौंग, 1 सुपारी, 1 पान कोर, 1 पान बीड़ा और 5 पूजा के बादाम सजाए। 1, 5, 10 का सिक्का या चांदी का सिक्का साथ में रखें। श्रीफल पर स्वास्तिक बनाकर रखें, मौली और छोटे फुंदे रखें। पूजा की थाली में दही मिश्री भी रखें, यह शुभ कार्य का प्रतीक है। अब चांदी, पीतल, मिट्टी, कांसे या अन्य पवित्र धातु का दीपक लें। इस दीपक में घी में डूबी फूल बत्ती लगाएं, दीपक की पूजा करें। टोपी, रुमाल या सिर ढकने का कपड़ा भी रखें। थाली में ड्राई फ्रूट भी रखें। ताजा सुगंधित फूलों की पंखुड़ी भी बचे हुए स्थान पर सहेज लीजिए। उपहार के लिए जगह बची हो तो रखें, वरना उपहार अलग से भी रख सकते हैं। धूप बत्ती त्योहार मनाने के बाद घर में जलाएं। तो लीजिए, आपकी राखी की थाली सजकर तैयार है।